कुवारा नहीं रहेगा। इस मनी भाई के लिए भी हम मनी बैंड ढूंढ लेंगे। तू आज भी नहीं, ये परिश्ते तो अपने चक्कर में रह रहे। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। वाह, ये तो मानना पड़ेगा। बड़ी दिल वाली टाइप। दोस्तों, अगर आप भी दिलवाले मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेना ने, वरुण शर्मा, जोनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गो ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा।
आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेना ने, वरुण शर्मा, जोनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्रायश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है।
कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है जिसकी गुर्गो ने इशिता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेस भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बक्सर के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है
2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसकी गुर्गो ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे,
बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गो ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गो ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराध मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है
और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गो द्वारा हमला किया जाता है, और जहाँ मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने
इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है जिसके गुर्गो ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गो द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है।
एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इशिता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गो ने इशिता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी
18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेना ने, वरुण शर्मा, जोनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है, जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसकी गुर्गों ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेस भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है
और जहाँ मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है,
मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों। वीर बक्सी और राज बक्सी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है जिसके गुर्गों ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बक्सी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जोनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है।
एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गो ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेस भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराध मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गो द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया,
तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गो ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गो द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा।
आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेना ने, वरुण शर्मा, जोनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है।
प्रायश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है जिसके गुर्गो ने इशिता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बक्सर के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेना ने, वरुण शर्मा, जोनी लिवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गों ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है,
कीर्ति सेना ने वरुण शर्मा, जोनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गों ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है, जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है, और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गों ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेस भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया।
बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बक्सर के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ ही समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं।
इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है जिसके गुर्गो ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराध मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गो द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गो ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बक्सर के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गो द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा,
और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेना ने, वरुण शर्मा, जोनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है, जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गों ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है
और जहाँ मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेना ने, वरुण शर्मा, जोनी लिवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने
इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है जिसकी गुर्गों ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है।
एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गों ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी
18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है, जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है, और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसके गुर्गो ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेस भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराध मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है
और जहाँ मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों
वीर बक्सी और राज बक्सी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इसीता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है जिसके गुर्गो ने इसीता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेस भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराध मालिक रणधीर बक्सीर के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गो द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी दिलवाले मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलवाले मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी दिलवाले, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों रोहित शेट्टी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान है, काजोल है, वरुण धवन है, कीर्ति सेनन है, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर, चेतना पांडे, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, कबीर बेदी, मुकेश तिवारी, विनोद खन्ना आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है।
एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने तो दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ने इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है जो पणजी गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इशिता नाम की एक शिक्षित युवा लड़की से मिलता है, जहां वे उसकी मदद करता है और इसी प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। प्राश्चित के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार ठीक करते समय वीर सो जाता है और जागने पर पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो चुका है। वीर जल्दी किंग नाम के एक ड्रग बेरन के साथ झगड़ा करता है, जिसकी गुर्गो ने इशिता को धमकी दी थी। वीर बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। राज को इस बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त शक्ति और अनवर की मदद से गिरोह के सदस्यों को मार देता है। राज ने उनकी स्टेज भी जला दी और खुद को काली के रूप में प्रकट किया। बुल्गारिया के सोफिया में काली और वीर एक अपराधी मालिक रणधीर बख्शी के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान काली की मुलाकात मीरा से होती है। काली को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अपने पिता को शिफ्टमेंट डिलीवरी के दौरान काली पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है और जहां मीरा खुद को मलिक की बेटी बताती है, मीरा काली की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।